आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे मेरा भाई विशु पत्थर का बन गया। एक तरफ मेरे माता पिता थे जिनकी चिंता खत्म नहीं हो रही थी, और दूसरी तरफ गुरुकर और उसकी बहन डरावनी जो पड़े थे मेरी बहन माया की शक्तियों के पीछे। किसी तरह मैंने कमंडल को शुद्ध करके बचाई माया और विशु की जान। अब आगे आगे ये लो जहरीला दूध, इसे पी लो। जहरीला दूध, इस दूध में मिलाया हुआ विष बहुत खास है, जिससे मैंने जड़ी बूटी लोग से चुराया है। जड़ी बूटी लोग? हाँ, तुम्हारा विष प्राणियों की जान लेता है, पर इस विष को धारण करके तुम जब अभी को डसोगे तो वो मरेगा नहीं, सांप बन जाएगा। पर गुरुकार, अगर अभी सांप बन भी गया तो आपको क्या फायदा? मायावी चाबी इंसान के शरीर में छिपाई जा सकती है, जब अभी सांप बन जाएगा तो वो चाबी उसके शरीर से अपने आप निकल जाएगी, वो चाबी होगी मेरी। मेरा होगा रुद्र का अमृत और कुबेर का खजाना। बेटा, हर साल की तरह इस हांडी में दही, शहद, फल, फूल, मेवा सब मिला दिया है। अब कृष्णा के इस प्रसाद को प्रणाम करो और फिर किसी ऊंचाई पर लगा देना, और फिर सारे गोविंदा इसे प्रसाद के रूप में चखेंगे। वाह वाह नागिन वाह, यहां तक तो तुमने सब ठीक कर दिया। अभी विष चखेगा, सांप में बदल जाएगा। इस बार हो जाए मुकाबला। देखते हम दोनों में से सबसे पहले हंडी तक कौन पहुंचता है। जो सबसे पहले हंडी तक पहुंचा उसकी हो गई हंडी। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है विशु। अपनी शक्ति अपनी रफ्तार का इस्तेमाल नहीं करेगा। ओए, विशु को जीतने के लिए अपनी पावर की जरूरत नहीं, समझा? हो जाए मुकाबला, चल। जन्माष्टमी में मुकाबले में भी भक्ति और दूसरों के लिए प्यार होता है। चल आज तू फोड़ ले। थैंक यू, तूने बता दिया कि तू ही मेरा भाई है। ठीक है, मैं ही तोड़ देता हूँ हंडी को। ये क्या गुरुकाल, ये शैतान अभी ने अपनी हंडी विशु को दे दी। हंडी और उसका प्रसाद अभी के लिए था। धीरे धीरे सांप बन रहा है। ये तभी हो सकता है जब इस पर किसी ने विषैली जड़ी बूटी का प्रयोग किया हो। ये जरूर गुरुकाल की ही चाल है। ऐसे काले जादू और काले कारनामे से वही कर सकता है। अब मुझे शक है, हांडी के प्रसाद में विष अभी के लिए मिला है। संयोग से उसे पहले विषु ने चख लिया। हमारे पास समय बहुत कम है मां, अगर इसे वक्त पर ठीक नहीं किया गया
तो ये हमेशा के लिए सांप बन जाएगा। जो जहर मैंने अभी के लिए बनाया था वो विष गलप गया। तो क्या हुआ, उसने गलप लिया तो हम अभी को अभी भी तो जहर दे सकते हैं ना? नहीं, वो विशेष विष की गोलियां मैं छोटी बूटी लोग से चुरा कर लाया था, आखिरी गोलियां थी। अब हमारे पास कोई गोलियां नहीं बची। तो अब हम क्या करेंगे गुरुकार? गोलियां सिर्फ बड़े वैद्य बना सकते हैं। इससे पहले कि अभी उन तक पहुंचे, मुझे जड़ी बूटी लोग जाकर बड़े वैद्य का अपहरण करना होगा, अभी और इसी वक्त। बड़े वैद्य के पास पहुंचो, ये जहर उन्हीं का बनाया हुआ है और इसका इलाज भी उन्हीं के पास है। तो वो तुम थे जो वो गोलियां चुरा कर ले गए, अवश्य ही तुमने उसका दुरुपयोग किया होगा। लेकिन एक बात याद रहे गुरुकाल, कि मैं तुम्हारी काली करतूतों में शामिल नहीं होऊंगा। यह अन्याय है, मैं अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। विशेष विष की गोलियां दो या मारो। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। शो की जान बचाने तुम्हारे पास मुझे सिर्फ मायावी चाबी देने तक का वक्त है। वो सांप बन जाएगा और तुम अपना दोस्त खो बैठोगे। चाहे कितनी भी चाली चल लो गुरुकर, हम रुद्र के रक्षक है, तुम जैसे बुराई के प्रतीक को कभी जीतने नहीं देंगे। तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। देखो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, तुम जल्दी से दक्षिण की तरफ खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाओ। जय गोविंदम जय मुरारी, जय गोविंदम जय मुरारी। बेटा तुम ठीक हो ना? जी। विशु, 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 तू ठीक है? विशु तो ठीक हो गया। अभी माया कहाँ थे तुम दोनों? हम वैद्य जी से मदद मांगने गए थे जिससे कि विशु ठीक हो पाए, और देखिए वो ठीक हो गया। बोलो जय गोविंदम जय मुरारी। जय मुरारी। अब अभी और उनके दोस्तों के सोते ही उनके सपनों को अपने वश में कर लें और उनके सबसे बड़े डर को उनके सामने लाकर अभी को मजबूर कर देना, ताकि वो वृद्ध की मायावी चाबी तुम्हें सौंप सके। कैसे सफल होगी आपकी चाल? अभी के घर में कोई सोया ही नहीं तो वो देखो। बच्चों
जिसका आत्मविश्वास सच्चा हो, दृढ़ हो, तो तुम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो, उसे हरा सकते हो। ये लो, इससे धुआं का तुम पर कोई असर नहीं होगा। जाओ। हाँ, जी गुरु का। बस एक बार सो जा, फिर जहां चाहूं वहां तेरे सपने में आकर तुझे डर। ये क्या हो रहा है? आंखें नहीं खुल रही है। चलो स्वप्ना सुंदरी दिखाएगी इनको इनका सबसे बड़ा डर, जिससे ये सब हारेंगे, और अवि को हमारे हवाले वो मायावी चाल करनी पड़ेगी। तेरे सपने तुझे जीने नहीं देंगे अभी, और मैं तेरे ही सपने में तुझसे मायावी चाबी ले लूंगी। जो होगा सपनों में वही होगा हकीकत। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बहुत बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा चीटर है, हम इसका सजा तुमको देगा। अभी हम तुमको यही छोड़ के जाता है, यही हाल में छोड़ के तुमको जाता है। हम अभी तो गया बॉस। अभी तुम मेरे क्या, किसी के भी दोस्त बनने के लायक नहीं है, समझा? अब हम जा रहे। ये नहीं हो सकता, पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, पर विशु मैं मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। झूठ, सब झूठ है, ये सिर्फ एक डरावना सपना है, और मैं ऐसे मानने से इनकार करता हूं। जहां चाहूं आ जाओ, तेरे सपने में तुझे डर। एक डरावने सपने से तो तुम बाहर निकल आए अभी, पर तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए उस डरावने सपने में कैद हो जाएंगे, और वही दम तोड़ देंगे। कैसे बचा पाओगे उन्हें?
माया मेरी आवाज सुन, माया मैं यही हूँ माया, ये सब असली नहीं है, ये तुम्हारा एक बुरा सपना है, लड़ो इससे माया लड़ो। नहीं अभी मैं बच रहा तू, तू मेरे पास मत आना, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा। पर माया यही तो तुम्हारा डर है, जिससे तुम्हें लड़ना है, ये सब स्वप्न सुंदरी का दिखाया हुआ एक बुरा सपना है, जिससे हमें काबू पाना है, जिससे हमें जीतना है। नहीं अभी मैं बच रहा तू, यही सच है। माया ऐसा बिल्कुल नहीं है, तू सबसे खूबसूरत है, याद है ना दादी ने क्या सिखाया था, कि सच्ची सुंदरता दिल से होती है, चेहरे से नहीं, और तू दिल से सबसे ज्यादा सुंदर है। सच अभी? हाँ माया तू सुंदर है, तू बहुत सुंदर है, बोल इसे, मान इसे सच, बोल माया बोल। सही कहती है, मेरा दिल सच्चा है और ये सब एक बुरा सपना है, सच नहीं है। मैं इसे सच नहीं मानती। अभी माया तू बिल्कुल ठीक है। हाँ बस हम लोग सच में एक ही सपने में एक साथ हैं। हाँ माया चल जल्दी, हमें विशु को उसके बुरे सपने से बचाना है। हाँ बस विशु को तुम कभी नहीं बचा पाओगे। आधा पैर काटूं या पूरा काटूं? छोड़ दो विशु, विशु भाग जल्दी भाग। नहीं अभी मैं भाग नहीं सकता, मेरी रफ्तार किसी ने छीन ली है, अब तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे। दाया पैर काटू या बाया पैर काटू या पूरा ही काटू? जब चाहूं भाग तेरे सपनों में, तुझे डर रहा हूं शैतान, काट दे इसके पैर और इसके साथ साथ इसके टुकड़े टुकड़े भी कर देना। लड़ अपने डर से लड़, बस इतना बोल दे कि तेरी मन की रफ्तार ही तेरी जीत है और उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ बस बोल, बोल विशु बोल, जल्दी बोल विशु, बोल जल्दी बोल। ऐसे तड़पता रहेगा तो सब लोग, तुम तीनों। विशु तेरे मन की रफ्तार ही तेरी जीत है, बोल दे विशु, बोल दे विशु, लड़े से बोल। हाँ, 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 मेरी रफ्तार मेरे मन से, वो मुझे कोई नहीं जीत सकता, मैं ना कभी हारूंगा, क्योंकि मेरा मन ही मेरी शक्ति है। मेरे पैर ठीक हो गया। मैं ये क्या है माया? अभी तुम नहीं, हम रुद्र के रक्षक है, हम बुराई से कभी नहीं हारेंगे। तुम सोचते हो कि तुमने असली डर को जीत लिया, अब मैं तुम्हें दिखाऊं कि असली डर किसे कहे। अब मरेगी तुम्हारी दादी अभी, तुम जानते हो अभी यहां हुई हर चोट असलियत में भी असर करती है। यहां दादी का सर कटा और वहां हवेली में तुम्हारी दादी मौत को प्यारी हो। नहीं
मैं माया विजय मिलने के लिए तैयार हूँ। अभी यही है तेरा सबसे बड़ा डर, लड़ इससे, सामने तेरा अपने सबसे बड़ा डर का। अपनों को खोने का डर ही तेरा सबसे बड़ा डर है अभी। ये कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा सबसे बड़ा डर है कि मेरी किसी गलती के कारण मेरे अपने ही मुझसे खो ना जाए। मैं अब से हार नहीं मानूंगा, इस डर से हार नहीं मानूंगा। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। मेरी दादी ने मुझे सिखाया, मेरा विश्वास पक्का, आपको कोई सपने में भी नहीं हरा सकता है। हम तीनों साथ में हैं, हमें विश्वास है कि जहां हम लोगों के रक्षकों साथ कोई नहीं दे पाएगा मात। हम लोग अपनी सोच से अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं। रुद्राय नमः। हमेशा काम आती है।